बिहार पुलिस पर बंगाल में घुसकर फायरिंग का आरोप, एक व्यक्ति घायल। बिहार से बंगाल में घुसकर फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्थानीय सूत्रों ने दावा किया है कि इस घटना में एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगी है। घटनास्थल बिहार के किशनगंज के पास उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया थाने के बिलाटीबाड़ी इलाके की है। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस की एक टीम कार चोरी के आरोप में इलाके में घुसी थी। आरोप है कि जब पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे अपने साथ ले जा रही थी, तभी स्थानीय लोग बिहार पुलिस से उलझ गए। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जब ग्रामीणों की एक समूह ने उनका पीछा किया तो बिहार पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस फायरिंग का वीडियो कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। इस्लामपुर पुलिस जिले के अधिकारियों ने बताया कि हालांकि चाकुलिया पुलिस स्टेशन ने बंगाल पुलिस को सूचित किए बिना आया था। चाकुलिया ने विधायक ने घटना की कड़ी निंदा की है। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल से कारतूस के खोल बरामद किए गए और जांच जारी है। जो है गोली चलाया है, आरोप आ रहा है। देखिए, हम लोगों के पास सूचना आई है, इधर बिहार का पुलिस आए थे। कौन लोग? चार पांच पुलिस आदमी आए थे। कितने आए थे? चार पांच पुलिस आदमी आए थे कोई एक लड़के को पकड़ने के लिए। तो हमारा बंगाल पुलिस का कोई उन लोग सूचना नहीं दिया है, तो लोग आके एक लड़का का उठा लिया और ऐसे सुनने आ रहे हैं वो पांच राउंड गोली किया। लेकिन हम लोग तीन जो एमपी केस है, फायर कार्टिज है, हम लोग सीज किए। तो उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग देखेंगे। सर, क्या करें? क्या बिहार पुलिस इसका सूचना दी थी कि? नहीं नहीं नहीं, बिहार पुलिस की तरफ से हमारा चाकुलिया थाना में कोई सूचना नहीं मिला था। ठीक है सर, इसको लेकर क्या कुछ तो अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम लोग, बात करेंगे बिहार पुलिस से या लोकल जो आदमी है उन लोगों से बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू किए बिहार पुलिस, अपना बंगाल पुलिस का ना जानिए এভাবে যে গুলি চালালো ভাই ছোট ঘরের জন্য, ওদের পুলিশের অভিযোগ। তাহলে আপনারা এটা কোন জায়গায় দেখেছেন? তো আমরা নিশ্চয়ই এখানে যারা প্রত্যক্ষদর্শীরা ছিল তারা দেখেছেন। হাইওয়ে জাম করে রাখে, মেরা ছোট ভাই গাড়ি চালাতা হয়, নূর আলম উসকা নাম হু, বলকোলা সে কানুজ ভুট্টা খালি করকে আ রহা থা, ভুট্টা খালি করকে আ রহা থা, রোড সে আ রহা থা, বস্তি ঘুস গিয়া হামকো দেখে একটা বাচ্চা বললা তুম লোগ গাড়ি পকড়া রোড মে, হম সোচে বিহার নাম্বার গাড়ি হ্যা বাঙাল বলা পকড়া হুয়া, ইয়াহ কে দেখে बारह दो गाड़ी लगाएगा, मेरा भाई को पकड़ के बैठा दिया गाड़ी में। गाड़ी बोल रहा है गाड़ी वो किशनगंज टाउन थाना का पुलिस गाड़ी है, दो ठो गाड़ी है, तो स्कॉर्पियो तो आर्टिका का। वहाँ हम पूछ रहे हैं ऑफिसर से, उसका ऑफिसर का नाम है संदीप कुमार, जो पूछ रहे हैं सर कौन चीज गाड़ी पर है, बोले चोरी का गाड़ी है। वो चोरी का गाड़ी है भाई, आपको हम कागज दिखाते हैं। बोले वीडियो मत करो, तुम यहाँ से हटो, तुमको भी उठा के लेंगे। हमको धक्का मार के फेंक दिया, जबरदस्ती उठा के वो लोग लेके चल गया। तब हम लोग पब्लिक सब उसको घेरा, पुलिस वाला बोले काहे लेके जा रहे हो? मेरा ड्राइवर के पास 2.5 लाख रुपया, 2,35,000 इतना रुपया है ड्राइवर के पास। गाड़ी गाड़ी का वहाँ से उठा के बस्ती से उठा के ले, गाड़ी वहाँ लगा हुआ बस्ती में उठा के वहाँ से उठा के लेके गया। लेके पहले भाग गया, हम जब आए तो गाड़ी लेके भाग गया उठो ड्राइवर को लेके। हम जब पब्लिक घिरवा गया उसके बाद तब फायरिंग करने लगा, ऊपर बुलेट भी है, आईसी सर के पास बुलेट है, फायरिंग किया, पांच तो फायरिंग किया। तो मेरा छोटा भाई था उसके ऊपर, उसको भाग रहा था, उसको गोली यहाँ लगा, यहाँ फाड़ के चल गया, गोली को हाथ में गोली लगा, यहाँ उसको हॉस्पिटल भेजा, आ रहा है हॉस्पिटल से, यहाँ लगा फाड़ के चल गया है और मार उड़ के गाड़ी लेके भाग गया होता। बिहार पुलिस है ये सर। अभी आप लोग क्या माने? हम लोग जो आसामी लेके गया है, चोरी का गाड़ी बोल रहा था, चोरी का भाई हम लोग कागज दिखाते हैं। और चोरी का गाड़ी अगर होगा तो जो सस्ती पुलिस दे हम लोग लेंगे। जबरदस्ती आप बोलिएगा चोरी का गाड़ी, कागज देखो ना भाई, तुम थोड़ा बिहार का पुलिस हो, बिहार पुलिस के खिलाफ है हम लोग, बिहार पुलिस हो तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिला तो बंगाल वाला का लेगा तुम आओ बस्ती में, जो चोरी का गाड़ी है तुम लेके जाओ गाड़ी उठा के। जब बंगाल पुलिस कोई आईसी सर को पूछा हम लोग, हमको इन्फॉर्मेशन है, बोले मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो लोग जबरदस्ती आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है थाना में बंगाल में, ये लोग जबरदस्ती बंगाल में आके बिहार पुलिस दादागिरी करके गुंडागर्दी करके फायरिंग करके यहाँ से आसाम उठा के लेके गया ड्राइवर को। पैसा है 2,35,000 कितना रुपया, 600 कितना रुपया है ड्राइवर के पास, पैसा मोबाइल, गाड़ी छोड़ दिया। जब पब्लिक जब घर वाला ट्रैक्टर को छोड़ के भागा, गाड़ी लेकर भाग गया वो लोग किशनगंज की तरफ। अबू जरा ड्राइवर का बड़ा भाई हूँ।